नमस्कार दोस्तों, SSC जेसपन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ, देशभक्ति वाला वीडियो है। और आपकी जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो आप सोच रहे होंगे कहाँ घूमने जाए। तो एक तो मैंने वीडियो डाला है 7 वंडर पार्क का, जो दिल्ली में नया खुला है। और ये वीडियो है राष्ट्रीय समर स्मारक, नेशनल वार मेमोरियल, इंडिया गेट पे है और बड़ा ही देशभक्ति से ओतप्रोत स्पॉट है। यहाँ आप ज़रूर जाए। ये 5 चक्रों में विभाजित है। यहाँ वीर योद्धाओं के नाम हैं और अमर जवान ज्योति जल रही है। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जय हिंद। और अब आपको मैं इसके वीडियो दिखाता हूँ। इसका पहला वीडियो देखिए आप। ये राष्ट्रीय समर स्मारक है, नेशनल वार मेमोरियल। ये 5 चक्रों में बना हुआ है। इंडिया गेट के पास है बिल्कुल। आपको मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ फौजियों के नाम है, जैसे ये है NKB डेविडनम, मद्रास रेजिमेंट से है। जैसे ये है SCP संजीवा, मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट ये 2 ग्रेडेनियर NK अमर सिंह, ये सबकी यहाँ पट्टियाँ लगी हुई है। एक पूरा चक्र है, अलग अलग पंक्तियाँ हैं। इधर भी सबके सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ कर? अच्छा लग रहा है। क्यों, ये क्यों आया, क्या है यहाँ? मतलब जो फौजियों के नाम है और जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करी थी, उनके नाम है यहाँ, उनकी याद में बनाया गया है। हाँ। अरे वाह। ये दूसरा चक्र है, तीसरा चक्र है, फिर अलग अलग बाल स्ट्रीट है। हाँ, और कुछ बोलना? देशभक्ति की भावना जागृत। अच्छा, देशभक्ति की भावना जागृत होती है यहाँ आकर। आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बोलो। आप कहाँ हैं? इंडिया गेट। ये अमर जवान ज्योति है। दोस्तों अब इसका देखते हैं। हमने देख लिए थे 5 चक्र, अब इसका जो चौथा चक्र है। 3 चक्रों में तो जो हमारे देश के लिए बलिदान करने वाले सैनिकों की नाम पट्टिकाएँ हैं, और चौथे चक्र में जो प्रदर्शन है जिसमें दीवारों पर बहुत ही अच्छे दृश्य खुदे हुए हैं, और 5वें चक्र में अमर जवान ज्योति है। तो ये देखिए आप चौथा चक्र। नेशनल वार मेमोरियल जो है, बैटल ऑफ गंगा सागर।
दृश्य है नेशनल वार मेमोरियल पे। तीनों सेना हमारी भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के चिन्ह हैं। ये फौजी हमेशा खड़ा रहता है उनको सलामी देने के लिए। ये राष्ट्रीय जो समर स्मारक है, यहाँ एक सिस्टम है, एक एलईडी लगी हुई है, उसमें अगर आप किसी सैनिक के नंबर डालते हो तो उस सैनिक का नाम आ जाएगा और वो बता देंगे कि भाई कौन सी ये जो रो है कौन से खंड में और कौन सी रो में उनका नाम है। देखो आइए देखते हैं बता रहे हैं। इसमें जो आईडी नंबर डाले उसको जीरो लगा के आ जाएगा सर, क्योंकि जीरो लगा के मैंने जीरो छोड़ दिया था। आईडी 0 2 7 8 इसको अब तक 8,360 लोग देख चुके हैं, अपने रिश्तेदार जो सैनिक हैं उनका नाम। जब हम यहाँ गए तो ये आईडी या तो गलत थी इनकी या नाम पूरा याद नहीं था, इसलिए इनका खुला नहीं था। तो साथियों यह आपका नेशनल वार मेमोरियल के बारे में आज हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि ये अच्छा लगा हुआ वीडियो, इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।